पांचवीं टूर डी पंजाब साइकिल रेस के चौथे मरहले में राइडर्स ने साहिवाल से लाहौर तक का फासला तय किया। साहिवाल से शुरू होने वाले चौथे मरहले में 50 साइकिल सवारों ने रेस में हिस्सा लिया। चूंग पहुंचने पर पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन के सदर अदरीस हैदर ख्वाजा ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। इनकरेजमेंट के लिए हमने 5 लाख रुपए के कैश प्राइज इनको देने हैं। वहाँ पे जो फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपया, और मेरी कोशिश है कि जो भी फिनिश करेगा सबको हम कुछ ना कुछ टोकन प्राइस जो है वो दें। रहीमियार खान से 22 मार्च से शुरू होने वाली साइकिल रेस में हमसाया ममालिक अफगानिस्तान के 6 साइकिलिस्ट समेत 72 राइडर्स शरीक हैं, जो मजमुई तौर पर 970 किलोमीटर का फासला 6 मराहिल में तय करते हुए रहीमियार खान से रावलपिंडी तक पहुंचेंगे। रेस के चौथे मरहले में बलोचिस्तान के कफायतुल्ला पहले, सिंध के हक नवाज दूसरे, जबकि मोहम्मद इरफान तीसरे नंबर पर हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स हो और हमेशा पाकिस्तान के और हमारी पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर करे और इसको हर दुनिया के हर कोने में पहुंचे कि इतने बुरे हालात में हम पाकिस्तान में इस तरह से जोश और लगन से अपनी मेहनत और हिम्मत से स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ऐसे इवेंट होते जाएं तो इंशाल्लाह हम ये रेस इसीलिए चला रहे हैं अपने पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि यहाँ अमन हो जाए, हर कोई स्पोर्ट के अंदर घुसे, इंशाल्लाह हर किसी का जहन फ्रेश हो। पांचवें मरहले के लिए खिलाड़ी जुमेरात की सुबह लाहौर से गुजरात का फासला तय करेंगे, जबकि छठा और आखिरी मरहला जुम्मे को होगा, जिसमें मजमुई तौर पर कामयाब होने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ उमर जावेद, दुनिया न्यूज़ लाहौर।